अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाहिद अंसारी और आपके अपने शो में जो फूडीज क्रिएटर्स की तरफ से हम ऑन कर रहे हैं आप सबके लिए, और इसमें आपके लिए बहुत कुछ है। सिर्फ कुकिंग नहीं है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं टेबल पे बैठे हुए, तो कुकिंग तो आज मैं नहीं करूँगी, फिर मैं क्या करूँगी। आज मैं आपको बहुत सारी आपसे बातें भी करूँगी, आपको गिफ्ट भी दूंगी और आपको टेबल सेटअप दिखाऊंगी। कुकिंग तो हम सब करते ही रहते हैं, मगर कुकिंग के साथ अगर हमने खाना सही तरह सर्व नहीं किया, और वो मेहमानों की बात मैं नहीं कर रही, मैं अपने घर वालों की बात कर रही हूँ। हम क्या करते हैं, हम जब कुकिंग करते हैं ना, बस हम टेबल पर रख देते हैं, घर वालों को हम समझते हैं तो आम से लोग हैं, ऐसी बात नहीं होती। तो आज जो खाना हमने बना के रखा है वो हम आपको सिखाएंगे ज़रूर, वो है नसीम फूड्स है, और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स है। आई थिंक मशरक की खाने की पहचान होती है कि जब तक हम अपने ये वाले खाने, रिवायती खाने ना बनाए और उसमें एक अच्छा मज़ा ना आए, और जब तक मज़ा नहीं आता घर वालों को, ख़ासतौर से आदमियों को और बच्चों को भी। और ये आपके लिए शॉर्टकट्स भी हो गई, आपको रेडीमेड मसाला मिल जाता है और आप बनाते हैं। आज मैंने जो ये सेटअप किया है ये वो सेटअप है कि आज आपको सबको पता है कि बारिश का मौसम भी हो रहा है, और जो बारिश का मौसम होता है तो कुछ खाने ऐसे होते हैं जो साइकोलॉजिकली हमारा दिल चाह रहा होता है खाने को। तो मैं बना रही थी पूरी, आलू और मैं नहीं बना रही, मैंने आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने थालियाँ रखी हुई, ठीक है। अब आप कहेंगे कि अगर हमारे पास थाली ना हो तो हम क्या करें, आप प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं। और टेबल को ये अपने घर से मैंने पत्ते, आप देखते होंगे मेरे शोज में कि मैं फूलों और पत्तों का बहुत इस्तेमाल करती हूँ, तो हम नसीम की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ, उनके मसालों के साथ मैंने ये चीज़ें बनाई हैं। मैंने बनाए हैं सब्जी भी बनाई है लौकी की, मैंने इसके साथ बनाए हैं कीमा, ज़बरदस्त कीमा है इनका, और ये जो कीमा कचरी कीमा है मेरे ख्याल से दिल्ली वालों के तो मशहूर है, मगर हर घर में ये मशहूर है, और बहुत मज़े का ये कीमा होता है इनका, कचरी का कीमा। इसको आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ कीमे पे लगाना है, और यही मसाला जो मैंने सब्जी बनाई है उसमें भी ये डाला है। और दूसरा जो है वो नहारी मसाला है। नहारी मसाले को मैंने क्या किया है, नहारी मसाले की नहारी भी बनाई है और नहारी मसाला मैंने दाल में भी डाला है। तो आप एक ही मसाले के पैकेट से इतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। आगे भी जाके मैं आपको बताऊंगी क्या क्या हम बना सकते हैं, और फिर हम एक बनाएंगे बॉम्बे बिरयानी। बिरयानी के बगैर मेरे ख्याल से हर घर का एक इंसान ऐसा होता है, या सारे बिरयानी सबको बहुत पसंद होती है, किसी की और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होती आपको, आप सिर्फ बिरयानी बनाएं और बिरयानी रख दें, बिरयानी का नाम सुन के बच्चे बड़े सब खुश हो जाते हैं। तो आज जो चीज़ें मैंने सेटअप रखा है, हर चीज़ घर के लिए, टेबल कवर ले लें, आपके पास घर में चादरें होती हैं, आप टेबल को अच्छा सा सेट करें। पता है तो इस बारिश के मौसम मूड बहुत अच्छा होता है हर एक का, क्योंकि सुकून होता है, मौसम भी चेंज हो जाता है, हरा भरा नज़र आ रहा होता है, तो इसीलिए मैंने ये सब हरा भरा रखा है। और इन चीज़ों के साथ आप दही, अचार और क्या कहते हैं छोले, ये चीज़ें सर्व कर सकते हैं। और दाल चावल जब बनते हैं थाली के अंदर, हम दाल चावल भी सर्व करेंगे, तो दाल चावल के ऊपर कभी मुरमुरे सेव वगैरह जो हम भेलपूरी बनाते हैं वो आप ऊपर से छिड़क के खाएं, आप ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये चीज़ जो है, ये आप देख रहे होंगे ये क्या चीज़ है, ये आप सबको नज़र आ रही होगी ये क्या चीज़ है, ये ग्रेटर है जिससे आप कश करते हैं हर चीज़। तो ये मैंने नया सा लिया, पुराना भी ले सकते हैं, उसको आप अच्छी तरह से धोएं, इसके अंदर आप कैंडल लगा दें। ये एक आम सी टेबल है जो घर वालों के लिए सेट हुई है, तो इसमें आपके घर में जो भी चीज़ें, मैंने कोई इसमें एक्सपेंसिव चीज़ नहीं ली है, ये सिर्फ एक डक थी मेरे पास, इसमें मैंने फूल रख दिए ताकि मैं कलर दे दूँ। और ये जो थी इसको हम कहते हैं, ये मैंने पत्तों का बहुत इस्तेमाल किया है, इसको छाबी कहते हैं, इसको भी मैंने खुद पेंट किया, आपको पीछे से भी दिखा देती हूँ। ये इसका कलर वाइट कलर होता है इसका, मैंने पहले इसको ग्रीन किया था अपनी क्लासेस जो मैं फिनेस की क्लासेस करती हूँ उसमें, फिर अब मैंने इसको ब्लू कर दिया क्योंकि हमारे इसमें ब्लू कलर आ रहा था। इसके अंदर आप पत्ते लगा दें, पत्ते लगाने के बाद आप थाली इसके ऊपर रख दें, और थाली जो है ज़रूरी नहीं है कि आपके पास थाली हो, आप प्लेट के अंदर भी सर्व कर सकते हैं, आपके पास कटोरियाँ अगर हैं, अभी कटोरियाँ मैं लेकर आऊँगी जब खाना सर्व करूँगी,
आप वो कटोरी में रख दें, नहीं तो आप इसी के अंदर दाल चावल अचार चटनी कीमा जो हमने नसीम के प्रोडक्ट से बनाया है वो आप रख सकते हैं। हाँ, निहारी के लिए आपको थोड़ा सा अलग सर्व करना पड़ेगा। और इसके साथ मैं आपको ये बताऊं, हमने नैपकिन वगैरह भी सर्व करने, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता रही थी, साथ में ये भी कि आपने सब्सक्राइब करना है फूडी क्रिएटर्स को, क्योंकि अगर आपने जीतना है इनाम नसीम मसाला रेसिपी मिक्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं इसमें कछुई कीमा है, चिकन मसाला है, कोरमा है, निहारी है, बॉम्बे बिरयानी, कढ़ाई फ्राई गोश्त, अचार गोश्त और पाया मसाला। मौसम भी बहुत अच्छा है और ये चीज़ें अगर आपको जीतनी है तो आपको सब्सक्राइब करना होगा फूडी क्रिएटर्स को। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको आगे जाके मिलेंगी, आप इंजॉय करेंगे। सिर्फ ये तो अभी हमने कुछ चीज़ें रखी हैं और इसके साथ साथ आपको ऑफ एंड ऑन हमारे साथ ही रहना होगा, बहुत कुछ आप सीखेंगे। इसमें गार्डनिंग भी होगी, इसमें फ्लावर अरेंजमेंट भी होंगे, इसमें गिफ्ट रैपिंग भी होगी, जो कुछ आप सीखना चाहते हैं और आप अपनी बेटियों को सिखाना चाहते हैं। आप ये देख रहे होंगे, एक और ख़ास चीज़, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब फूल आप खाने की मेज़ पर रखते हैं तो कभी भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं रखे जाते टेबल पर, ये एटिकेट होते हैं। और हम बहुत दफ़ा टेबल पे आर्टिफिशियल फ्लावर्स रख देते हैं, वो नहीं चलते हैं। हमेशा आप दो फूल, एक फूल या दो पत्ते ही ले लें अपने गार्डन से, रोड से, कहीं से भी, वो हमेशा अच्छे लगते हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर्स कभी टेबल पे मत रखा करें, ताज़ा खाना होता है, ताज़ी चीज़ें होती हैं, तो उसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स ये अलाउड नहीं। अगर आप चाहें आप कर सकते हैं, मगर मैंने आपको एक चीज़ बताई। दूसरा, पेपर नैपकिन जो होते हैं ना वो भी नहीं चलते। पेपर नैपकिन किस लिए होते हैं? पेपर नैपकिन बिल्कुल आपके हाथ पोछने के लिए, सब चीज़ों के लिए होते हैं, मगर ये डाइनिंग टेबल पे कभी भी पेपर नैपकिन इस्तेमाल नहीं होते हैं। ये सिर्फ पिकनिक के लिए होते हैं, या अगर आपके घर में गार्डन पार्टी हो रही है, गार्डन में लोग बैठे हैं, या बच्चों के लिए। हम क्या करते हैं, मगर आप ये देख रहे होंगे कि मैंने इस टेबल पर पेपर नैपकिन रखे हों, जो कि मैं मना कर रही हूँ। इसका ये है कि आप रखते हैं नैपकिन कपड़े का ही, ज़्यादातर वाइट रखिए, इसलिए वाइट रखे जाते हैं कि वाइट फौरन धुल जाते हैं, धब्बे भी साफ हो जाते हैं। अगर आप कलर्ड रखते हैं तो कलर्ड के आपको मसला ही होता है कि अगर खाना लग गया चिकनाई तो वो धुलना मुश्किल हो जाता है, और अगर आपने कुछ ब्लीच वगैरह लगाया तो उसमें ये होता है कि उस जगह से धब्बा रह जाता है ब्लीच का। तो इन खानों में जब आपने अपने ये मैं फॉर्मल टेबल की बात कर रही हूँ, जब आप खास मेहमानों को बुला रहे होते हैं, घर में तो इंसान का चल जाता है, मगर एक होते हैं ना तौर तरीके होते हैं, तो मैं आपको उन तौर तरीकों की बात बता रही हूँ कि आपके घर मेहमान आ गए तो प्लीज़ ये मत करिएगा जो मैंने आपके कहा, प्लास्टिक के फ्लावर और ये पेपर नैपकिन। अगर आप नहारी बनी है हमारे पास नसीम मसाले से, हमने नहारी बनाई है, फिर अगर हम पूरी या चावल हाथ से खा रहे हैं तो अब इन नैपकिन से तो आप ये पूछेंगे, महंगे वाले अगर नैपकिन हैं तो आपने क्या करना है, आपने ये लिए पेपर नैपकिन, और पेपर नैपकिन को ये आपका नैपकिन हो गया, ये आपने यहाँ रखा, इसको आपने उल्टा करके रखा, ठीक है, ये आपने उल्टा करके रखा, और ये है नैपकिन होल्डर। आपके पास नैपकिन होल्डर नहीं है कोई बात नहीं, मैंने यहाँ वो रखा नहीं, आप कोई सुतली ले सकते हैं, कोई रिबन ले सकते हैं जो आपके फ्लावर अरेंजमेंट्स में आते हैं, ये आपने ये बीच में रखा, ये आपने करना होगा, ये देखिए आपने ये पकड़ा, ये आपका नैपकिन आ गया। अच्छा, नहीं है प्लीज मैं आपको बता रही हूँ, आप सुतली ले लें, मैं रखते रखते भूल गई सुतली, आप हरा धनिया भी रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। ये आपने लिया, ये आपका नैपकिन होल्डर हो गया, ये आपने लगाया, ये आपका नैपकिन खुल गया, ठीक है, ये आपका है पेपर नैपकिन। अब जिसको ये पता होगा, नहीं तो सबको नहीं भी पता होता तो हम सीख रहे होते हैं, मैंने भी सीखा है जरूर, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं भी पैदा हुई ये सब चीज़ों से, हर कोई सीख रहा होता है, कहा गया है आप सीखते रहें। ये आपने लिया और ये आपने रख दिया यहाँ पर। अब जिसके यहाँ भी दावत हुई, अब रखा तो आपने कपड़े का नैपकिन, मगर जब हम खाना खाएंगे तो हम इसको उतारेंगे, इस नैपकिन को यहाँ रखेंगे,
क्योंकि जब आप नारी खाते हैं या चावल तो आपके हाथ गंदे होते हैं, फिर आप इस नैपकिन से पोछेंगे अपना हाथ, फिर आप इसको इस्तेमाल करें डायरेक्ट। अगर आपने यहाँ पेपर नैपकिन रखा तो इसका मतलब हुआ मुझे घर की बातों के बारे में कुछ भी नहीं। जब आप करेंगी यानी कि माएँ करेंगी तो फिर बेटियाँ भी सीखेंगी और उनको दूसरे घरों में जाना है शादी होती, तो ये वो चीज़ें हैं। प्लीज़ इन चीज़ों को लिख लें, पॉइंटर्स बच्चियों को बताएं कि ये तरीके होते हैं। कभी भी कोई मेहमान आता है, हमारी ट्रॉली होती है, कुछ हम पेपर नैपकिन रख देते हैं, पेपर नैपकिन अलाउड नहीं। ये मैं आपको सही बात बता रही हूँ, ये आपने करना है। और आपने उसको जिस तरह मैंने आपको देखी, मैंने सजा के फूलों के साथ, अच्छा जब आप ये लगाते हैं ना कभी भी, ये भी आपको एक और चीज़ होगा, ये देखें आपने पेपर नैपकिन लगाया ना, आपकी कलर की जो टेबल है वो डार्क ग्रीन में हुआ हुआ है, तो मैंने इसलिए ऑरेंज फूल और वाइट फूल डाले हल्के हल्के। आप क्या कर सकते हैं, बहुत से लोग हरी मिर्चें खाते हैं, नारी के साथ भी खाते हैं क्लीनिक, तो आपने ये आप हरी मिर्च इसमें लगा सकते, जब जिससे सबसे पहले नैपकिन जब इंसान खोलेगा तो बहुत से लोग हरी मिर्चें बहुत खाते हैं, मैं पर नहीं खाती, और फिर लोग साबुत भी खाते हैं तो वो खा भी सकते हैं। तो ये एक सजावट मैं आपको बता रही हूँ कि आपके घर में जो हरी मिर्च, मैंने इसलिए नहीं लगाई हरी क्योंकि ऑलरेडी हरा नैपकिन था, तो ये चीज़ें इस तरह चलती हैं। आप नैपकिन को बीच में भी रख सकते हैं, आप नैपकिन को सीधे हाथ पे भी रख सकते हैं, उल्टे हाथ पे भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसके अंदर दाल चावल कीमा सब्जी पूरी हलवा जो आपका दिल चाहे आप खा सकते हैं, मगर ये बहुत बड़ी है, इसमें आप नहारी नहीं खा सकते, नहारी के लिए आपको अलग प्लेट रखनी होगी। मैंने यहाँ पे चार सेटिंग्स बनाई हैं, 1, 2, 3, 4, और यहाँ अगर आपने कीमा है या नहारी है तो आप नहारी के लिए गहरी प्लेट रख लेंगे और कीमा इसमें आप खा सकते हैं, चावल भी आप इसमें, जिस तरह मैं इसमें सर्व करूँगी इसी तरह आप प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं, मगर मैंने ये मसाला इसलिए रखा है कि आप देखते रहें कि आपको गिफ्ट के तौर पे ये हैम्पर मिलने वाला है नसीम का फूडी क्रिएटर्स की तरफ से। तो ये हमारी छोटी छोटी सेटिंग्स होती हैं, ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपको हरी मिर्च लगानी है, ये मुझे एकदम से सामने चीज़ थी, जब सामने होती है ना, ये देखिए मैं आपको एक ही टेबल पर कितनी सारी चीज़ें बता रही हूँ, ये देखिए आप फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, और ये मैंने कोई खरीदे से फ्लावर्स नहीं है, ये आप इसी के अंदर लगा लें। अच्छा यहाँ पे एक थाली में मैंने दही रखा हुआ है, छोले रखे हुए हैं, आप छोले के मसाले बना लें, यहाँ मैंने अचार रखा हुआ है, ये आप, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये छोले जो है ना आपका जो नसीम का जो ये कचरी कीमा मसाला, अगर आप छोले इसमें बनाएंगे ना ये बहुत मज़े के बनेंगे। तो ये रेसिपीज आपने रखनी है, आपके पास ये वाले मैट्स नहीं हैं, आपके पास प्लास्टिक के मैट्स हैं वो रख लें, उसके ऊपर जब पत्तों का आपने दिया है सेटअप तो आप उसके ऊपर भी पत्ते रख सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है, जब आप बेसिक सीख लेते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये भी कैंडल है, मैं जब खाना सर्व करूंगी तो मैं कैंडल भी रखूंगी। ये मैंने यहाँ पर सीपियाँ होती हैं, इसको आपका जो कॉम्बिनेशन है आपने स्प्रे लेना है और स्प्रे से उसको पेंट करना है, तो मैंने इसको इसके ग्रीन पेंट नहीं किया, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें इस पर ग्रीन हो जाएंगी। ठीक है, ये आपका चेक का टेबल कवर आ गया, ये आपके नैपकिन आ गए, हाँ ये पानी है, पानी हमेशा हमेशा सीधे हाथ की तरफ रखा जाता है, हमेशा आप देखें ग्लासेस सीधे हाथ पे रखें, जब हमारी थाली का सेटअप है तो फिर हमारे ग्लासेस भी वैसे होंगे। इसमें आप लस्सी सर्व कर सकते हैं, इसके अंदर आप कोई भी ड्रिंक सर्व कर सकते हैं, कुछ भी, मगर ज़्यादातर इसमें लस्सी सर्व होती है या पानी सर्व करते हैं। बहुत से लोग पता है पहले के वक्तों में जब हम छोटे थे तो मुझे अच्छी तरह याद है, जब नहारी बना करती थी हमारी अम्मी बनाती थी या मेरे अम्मी के चचा वगैरह हमें बुलाया करते थे, पता है वहाँ क्या होता था, कभी करके देखिएगा ज़रूर, जब नहारी की बात हो रही है और कचरी के कीमे मसाले की, तो उस वक्त ये होता था कि अंगीठियाँ रखी होती थी, सर्दी के मौसम नहारी बनती सर्दी के अंदर थी, अब तो हर रोज़ बिरयानी हर रोज़ नहारी, कोई दिन उसके लिए कैद नहीं है, तो वहाँ अंगीठियाँ रखी होती थी और हम सब स्टील की प्लेटें होती थी, एक लंबे दस्तरखान बिछते थे और सब बड़े बच्चे सब वहाँ बैठे होते थे, और उसके बाद क्या होता था कि वो अंगीठी, अगर वो आपकी नहारी ठंडी हो गई जो घी में बनती थी बिल्कुल, तो वो चूल्हे पे रखी जाती थी और उसकी प्लेट गरम करके दे दी जाती थी, रोटी भी वहीं से कर, कभी ट्राई ज़रूर करिएगा, इस तरह खाना खाने में खिलाने में सर्व करने में बहुत मज़ा आता है, नेचुरल लुक आता है।
ये हमने इस तरह से सेट किया है। एक बार और आपको कहते हैं सब्सक्राइब करिए फूडीज क्रिएटर्स को, आपको मिलेगा मसाले रेसिपी मिक्स का पैक जो नसीम का है। तो हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं इसके बाद।